नमस्कार, मैं भाषा और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी मणिपुर की उन बहादुर महिलाओं से जिन्होंने 2012 में देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के लिए। उनके अपने, उनके परिजन, उनके जीवन साथी सबको छीन लिया आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत जो इम्प्यूनिटी मिलती है सुरक्षा बलों को, उसके तहत उन्होंने अपने जीवन के सबसे अहम साल खो दिए, अपने प्रियजनों को खो दिया और उसके बाद वे टूट गईं, थक गईं। बहुत सी महिलाएं भीषण संकट से गुजरीं लेकिन फिर वे उठ खड़ी हुईं और उन्होंने 2009 में एक संगठन बनाया। यह संगठन बहुत ख़ास है, अपने आप में इसकी बहुत अहमियत है और इसकी अहमियत का एहसास इस बात से हो सकता है कि 2022 में मणिपुर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, जनता दल यू, एनपीपी, सब ने अपने घोषणा पत्र में इस आसपा को हटाने की मांग को माना, अपने घोषणा पत्र में जगह दी और यह कमिटमेंट दिया कि अगर वे सत्ता में आए तो कोशिश करेंगे कि मणिपुर की जनता को न्याय मिले। इन महिलाओं को किस तरह से हिम्मत मिली, क्या इनका रिश्ता इरोम शर्मिला के संघर्ष से है जिन्होंने अपने जीवन के अहम साल भूख में गुजारे ताकि इस कानून के खिलाफ एक बड़ी सहमति बने, लोग खड़े हों। आइए मिलते हैं इन महिलाओं से। जब हम बात कर रहे हैं AFSPA की, तो इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था कांगला फोर्ट के आगे। यहाँ पर मणिपुर की महिलाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया था। यह कांगला फोर्ट असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी है और लंबे समय से जो AFSPA को हटाने की मांग रही है उसका केंद्र यह फोर्ट रहा है। इस समय हम पूर्वी इम्फाल में बासी खोंग इलाके में हैं। बासी खोंग यानी बंसी और खोंग मतलब नहर, बासी खोंग। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उन विक्टिम से जिन्होंने अपने प्रियजनों को, अपने जीवन साथी को खोया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में। जिस तरह से उनके साथ ही नाइंसाफ़ी हुई, क्या वह इस बार चुनाव में एक मुद्दा है? किस तरह से इस पे संघर्ष करने वाली महिलाएं, संगठन इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं चुनाव में, क्योंकि भाजपा जिसका यहाँ पे शासन है और जो बहुत बड़ी दावेदार बताई जा रही है उसने अपने घोषणा पत्र में भी AFSPA को रखा नहीं, उसके हटाने को रखा नहीं, उस काले कानून को हटाने के लिए तैयार नहीं हुई, उस मांग को अपने घोषणा पत्र में रखने के लिए तैयार नहीं हुई जिस पर मणिपुर की राजनीति बहुत लंबे समय से आंदोलनरत है। जब हम बात करते हैं मणिपुर की तो इरोम का जो आंदोलन है वह निश्चित तौर पे हमें याद आता है। आज मेरे साथ वे तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जिन्होंने बहुत मजबूती से, साहस से इस आंदोलन को आगे चलाया। उन्होंने कहा कि उनके प्रियजनों को जिस तरह से पुलिस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने बिना वजह मारा उसकी लड़ाई वे चला रही हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया है। हम उनसे जानेंगे कि वह अपनी कथा को कैसे राजनीतिक परिपेक्ष में रखना चाहती हैं। मेरा नाम है रेनू तखेलम्बम एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ वो ऑर्गेनाइजेशन है इफम इन लॉन्ग फॉर्म एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन मणिपुर। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म इन 2009 जुलाई। जी, ये बताएं कि आपने खुद अपने जीवन साथी को खोया और उस ट्रॉमा से आपने लड़ाई की और उसके बाद आपने ये संगठन बनाया। आपके साथ क्या वाकया हुआ और कैसे आपने सोचा कि अपने दुख को इस शक्ति में बदलें? हस्बैंड पति के मौत के बाद कब हुए थे मौत, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, या इन 2007 अप्रैल 6 में हुआ है ये। मेरा पति को इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो ने वो शूट किया और मैंने वो ये जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने हमको कलेक्टिव आया है इन 2009 पे
We filed these cases in 2012, but almost all these cases are not in the only in the valley area, but it's in the hill area also. My husband's name is Mung Hangzo, and he belongs to Paite tribe. And after his he was killed by the Imphan West Police Commando in just near my house. Police ki FIR me वो जो एफ आई आर में लिखा है तो वो तो टेररिस्ट गैंग है, बट माई हस्बैंड वॉज नॉट बिलोंग्स टू एनी अंगनवाड़ी, नॉट बिलोंग्स टू एनी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, बट ही इज़ अ इनोसेंट. पहले ये ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म किया तो हम सबको घर में रोया था, बैठ बैठ के हम जस्ट normal life mein as a housewife for me also I stay in home. But after ye organization form ke baad hum socha tha kitna widow hai Manipur mein acid meri tarah. PIL ke baad mein ye Supreme Court ne ye ek commission banaya hai, wo commission Santosh Hegde commission, it is known as Santosh Hegde commission. Wo Santosh Hegde commission to Manipur mein aaya hai aur 6 cases mein wo investigation kiya tha. मैं 2009 को इफ़म फ़ोन किया था, वो उस समय से अभी तक इफ़म में हूँ. और मेरा पति का भी 2008 जुलाई को उस दिन को मणिपुर पुलिस कमांडो कंबाइन फोर्स में फेक इंकाउंटर हुआ था. और उस समय मेरा पति को घर से निकला था सुबह, और मेरे घर के ही पास में पुलिस कमांडो ने चेक किया था, और घर के ही नज़दीक थे हम उसके पकड़ कर ले गए अराउंड 8 AM में. उसको पकड़ा तो मेरे घर के ही पास, उसको जिप में लेकर एयरपोर्ट के नज़दीक में उसको मार दिया था. पुलिस ने ऐसा बोला, वो ऐसा नहीं है. हमने सब लोग ने उसको पकड़ते हुए देखा था मेरे पति को. बहुत मिला था हमको हिम्मत इफम में और सभी कलेक्टिव में. हाँ, मेरा हस्बैंड एंड मी 2005 में शादी किया था, और इसके 2 साल के बारे में इसकी स्पीक किल हुआ है, इसके भी मारा है. जो व्हेन ही वाज किल्ड उसके समय मेरा बच्चा भी तो 11 मंथ्स सिर्फ ओनली 11 मंथ्स हुआ है जी. अभी आपने अपनी संस्था के ज़रिए कितनी महिलाओं तक पहुँचे हैं, कितने केसेस आपके पास हैं, और कितनी महिलाएं अभी आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हाँ, केसेस तो बहुत है इसमें तो 1528 केसेस में, बट वी नाउ we submitted only in categorized form into Supreme Court. So on that 755 victims family are we are keeping in touch. आपका घर यहीं पर है? नहीं, ये दुकान है, घर तो उधर है, मेरा हस्बैंड का घर थोड़ा 5 मिनट्स होगा इधर से. अच्छा अच्छा, मेरा हस्बैंड है. संगठन ने बहुत मिसाल हासिल की है. 2009 में ये जो संगठन बना जिसका नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर, इसने सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल किया उसमें जुटाए 1528 ऐसे मामले, ऐसी हत्याएं जो सीधे सीधे देश के तमाम कानून और मानवता की हत्या करने वाली थी. ये तमाम हत्याएं सरेआम हुई जिनके खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष चला. इसमें वो मामले भी हैं जिनके बारे में अक्सर बहुत कम बात होती रही है. यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि मणिपुर में एक अलग ढंग का खौफ तारी रहता है. यहाँ पर AFSPA है, यहाँ पर UAPA लगता है, यहाँ पर जो पूरी आबादी मणिपुर की है वो देश की आबादी का 0.4 है. My name is Idina Yaikom, and I am the general secretary of this organization, IFAM, Extrajudicial Execution Victim Families Association, Manipur.
and my husband is killed by the combined team of Manipur Police and Assam 16 Assam Rifle on 21st January 2009. On that day, he just went out from home at about 10:30. Then we don't know anything about him, whether he is arrested by the police or anything. But on that day, from the local news channel, some of the localities relatives told us that he is killed in an encounter. He was arrested from one of the college called DM College from Imphal, and he was brought by the white gypsy of the commando till that Makhan Bile Senapati district, about 30 kilometers far from the arrested area. Then they killed at about 6:30 like that. He's innocent civilian. He is not involved in any insurgent group, but after killing, they claim that he is underground group called KYKL. Sirf sarkar ke paas se hame kuch bhi nahi mila hai, sirf compensation ke alawa kuch bhi nahi mila hai. Government ki side se थोड़ा बहुत स्कीम है जो विडो पेंशन का है, फैमिली बेनिफिशरी का बहुत सारी स्कीम है, लेकिन हमें एक भी नहीं मिला है. मैं वीविंग करती हूँ, ये भी वीविंग करते हैं, हम सब वीविंग करते हैं. लड़कियों और लड़कों का काम है जो लकड़ी का घर बनाना और कुछ थोड़ा सा. आपका नाम क्या है और कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम मालबी है और मैं 30 इयर्स का हूँ. अभी आपके पूरे इलाके में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, किसकी बात ज़्यादा चल रही है, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? मुझे तो सभी पार्टी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये सब सभी के सब चोरों जैसा लगता है. क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन ही करप्शन हो गया है, वोटिंग भी करप्शन से ही चलता है, तो मुझे सभी पार्टी में से एक भी नहीं पसंद है. यहाँ हम आपको बता दें कि मणिपुर में जिस तरह से खौफ का माहौल है, जिस तरह से जो खौफनाक कानून हैं, काले कानून हैं, उनकी इतनी गहरा असर है, इतना ज़बरदस्त डर लगता है लोगों को बात करने में, उसमें इन महिलाओं का सीधे सीधे स्टेट को चुनौती देना अपने आप में बहुत ख़ास है. मणिपुर की जो पूरी आबादी है वह देश की 0.4% है, लेकिन यहाँ पे जो काले कानून के तहत मामले दर्ज हैं वह 32% हैं. इसी से समझ आता है कि किस तरह से पूरी की पूरी आबादी को दबाया गया. ये जो संगठन बनाया है, इस संगठन ने जिस तरह से एक महिलाओं में बहनापा और महिलाओं के पक्ष में समाज को और अब राजनीतिक दलों को खड़ा किया है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है. हमने इस संगठन से जुड़ी चार महिलाओं से बातचीत की. यह चारों महिलाएं, इनकी कहानी, इनका संघर्ष बिल्कुल अलग है, लेकिन वे सब एकजुट हैं, खड़ी हुई हैं बाकी तमाम और महिलाओं के साथ. उनका मानना सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो अन्याय उनके साथ हुआ वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और न्याय उन्हें मिलना चाहिए. जब सुप्रीम कोर्ट में डाला तब आपको लगा कि कुछ न्याय और मिलेगा? हाँ, मिलेगा, न्याय तो मिलेगा. उसमें तो एक भी पुलिस पर्सन को पनिशमेंट मिला गए ना, मिलेंगी तो हम बहुत खुश हो गए. हमारे केस में तो नहीं है ना, तो उस भी एक केस में भी पुलिस को दंडी पनिशमेंट मिलेगा तो हम बहुत खुश हो जाएगा. अभी तक किसी केस में नहीं मिला? नहीं मिला है. नाउ माय केस इज इन द सुप्रीम कोर्ट. दे हैव एविडेंस अबाउट, दे हैव विटनेसेस, आई विटनेसेस, देन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ केसेस. सो माय केस इज नाउ इन 62 केसेस. 62 यंग विडोज. एक मिनट, यू जस्ट होल्ड दिस. Yeah, let me see the heading. Young widows at Idina, me told that I will make my two children more than about in their education
more than those children who have their parents. Okay. मतलब मैं बच्चों अपने बच्चों को उन बच्चों से ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगी जिनके दोनों पेरेंट्स हैं. There are lots of widows. बहुत है यहाँ पे widow. But every widow have no chance to meet this, to get this pension also. It's a very difficult to get. आपको लगता है कि लड़ाई आपकी लंबी है? I think it's भी लंबी होगा. लंबी, बहुत बहुत लंबी है. Still we are struggling. Still we are very difficult situation for the trial and for the we are waiting for the prosecution sanction also some of the union of the armed forces. So still I don't know which way we are going and how the government, the upcoming government will help. AFSPA जाएगा क्या मणिपुर से कभी? I think no. Still I think I didn't trust it will be rahega yahan par asfa to if remove ho jayega to iska bhi hai wo sarkar log ne kaha hai iska hai national security ka problem hai but humne ye asfa ko hum repeal karna chahiye but still it's here in Manipur but I think it will be keep more longer in Manipur. ये तमाम महिलाएं बेहद जिंदा दिल हैं, जिंदगी को भरपूर जीना चाहती हैं संघर्ष करते करते. और देखिए कितनी खूबसूरती से इसमें तमाम महिलाओं ने यह साबित किया है कि वे अपने बच्चों का भरण पोषण, उनको आगे तमाम और महिलाओं की तरह या शायद उनसे बेहतर ढंग से कर सकती हैं. उनका यह हौसला निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और यह बताता है कि स्टेट कितना ही ताकतवर क्यों ना हो लेकिन महिलाएं अगर उठ खड़ी होती हैं तो बहुत कुछ कर गुजरती हैं. इन औरतों का संघर्ष कम से कम घोषणा पत्र तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, हम तक, आप तक इनका दर्द पहुंचा है और शायद यहीं से जीत की शुरुआत है.